ये हमारी ताई का नंबर है। तू आजकल गाड़ी लेके कहाँ जा रहा? अरे वो ससुराल जाना। अच्छा, वो देखी मम्मी बोल रहे हो ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम लोग आए हैं घर और यहाँ पे हम सारे लोग बैठे हैं। अरे ताई जी, वो ईजा कह रही थी गाय का बता दो। हेलो, ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। झाड़ू तक निकालूंगी। अच्छा, और किसी के यहाँ पे है नहीं क्या? यहाँ पे गाय यहाँ अपना तो अभी किसी की नहीं है यार। गाय और बच्चा थी तुमने पहले कह दे। अच्छा, वो गोपाल सा जी के यहाँ भी नहीं है? उन्होंने भी भेज दी। अच्छा, उन्होंने भी भेज दी। हाँ, उनके यहाँ भी थी। चलो उन्होंने ठीक। डालो, उन्होंने दाल मुड़ा भेज दी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बताना। हाँ, दिक्कत तो अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये मोना, शिवानी हेलो, और ये शुभम दा, और हम यहाँ पे कर रहे हैं सबको कॉल, सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं ताई लोगों के साथ। तो बोलने लगे बने रहिए और आप भी एंजॉय करिए। बारी है हमारी कमला ताई की। दीदी का नाम मैं रणबीर कपूर लिखा रहा है। बेबी के मैं रणबीर कपूर बेबी उठाई, बेबी उठाई के। हेलो हेलो, कमला जी ने, कमला जी ने। हाँ हेलो, ये हमारी ताई का नंबर रणबीर कपूर करके आ रहा है। हेलो, हेलो, कमला दीदी हैं? हाँ, आप कौन? मैं किरण बात कर रही हूँ। किरण मामी? नहीं, मेहरा गाँव से। हाँ, नकुचिया। मेहरा गाँव से। अच्छा, एक मिनट बात करा रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ दीदी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ हो आजकल आप? यार मैं तो यहाँ हल्द्वानी हूँ। अच्छा, मैंने सुना आपको बच्चा चाहिए थी। क्या चाहिए थी? अरे बच्चिया बच्चा चाहिए थी कहा? हाँ हेलो, हाँ हाँ। अच्छा क्यों, कहाँ से बोल रहे हो आप? ये मैं ऊपर मेहरा गाँव किरण। अरे यार अब अभी तो मैं यहाँ हूँ, फिर अभी कुछ नहीं कहती हूँ यार मैं। चलो ठीक है फिर। हाँ, 2-1 महीने यहीं रहना पड़ेगा ना मेरे को। अरे दादा, दुकान में कह रहे थे ना कि बच्चिया चाहिए, तो मैंने आपका नंबर निकलवाया, ये फिर फोन किया। अच्छा, कब मेहरा गाँव कौन ठहरे तुम लोग बताओ तो। अरे कह दूंगा भाई तुझे। अरे हाँ। अच्छा क्या कमी है? हाँ तुम बात करो सालों से। ये तीन साल का है। अच्छा, किलो देखने साथ है तुम? अरे घास कहाँ हो रही है यहाँ, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही काम हो जाता है, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ। कोई होगा तो आप बताना मेरे को। हाँ कोई होगा तो मैं बताऊंगी ना। हाँ तू भी जरी लो, तू नंबर कह दे, मैं खुद फोन कर रखा तुझे। कोई ठीक छुपे कहीं होल तो बताया। हाँ हाँ बतूल है ना, कोई होल तो होए दीदी होए। हो ठीक छुपे। हाँ ठीक छु। अबे पांडे ताई की बारी।
ये है मोना की ताई और अब मोना करेगी व्लॉगिंग। ये ऐसा क्या रहा? आजादी का अमृत महोत्सव है, अभी मेरा फोन रखते ही अपने पास लगे थे। हेलो हेलो आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी, मैं ये सायदा बोल रही थी। हाँ सायदा बोल। वो दादा बात कर रहा आपसे, कल के लिए गाड़ी चाहिए थी ना, तो उसके बारे में पूछना था। कौन सी गाड़ी चाहिए थी? ये बोलेरो। कहाँ जाना है? लो दादा बात कर रहा आपसे। हाँ हाँ। हेलो आंटी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? ठीक हो कहाँ? हाँ ठीक हो रे। और तू कल गाड़ी लेके कहाँ जा रहा? अरे वो ससुराल जाना। अच्छा अच्छा, वो अरे ऊपर दीदी बोल रहे हो क्या ना नौधारा से? ये यहाँ पे इनकी प्लानिंग चल रही है, अब ये कर रहे हैं। बारी है लत्तू दी की। गूगल पे देखा था क्या ना आपका? हेलो हेलो। हाँ आंटी, ओम पी जी से बात कर रहे हो? मैं नेहा बात कर रही हूँ। आपके यहाँ पे रूम अवेलेबल है? नहीं, अभी तो नहीं। कब तक हो जाएगा? एक डेढ़ महीने में। मेरे को नवंबर में चाहिए था। नवंबर में? हाँ तब तक तो हो जाएगा। अच्छा, और आपका यही नंबर है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। हाँ और रेंट क्या होगा? 5.5। अच्छा, उसमें खाना भी है? हाँ, खाना भी। कितनी लड़कियों का शेयरिंग है? डबल भी। और रोड से कितना अंदर है ये? मेन रोड से ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अच्छा, देखने आ सकती हूँ? 5 मिनट। हाँ आ जाइए। अच्छा, और एडवांस जमा करना पड़ेगा क्या? हाँ, अब आपको तो नवंबर में चाहिए, आप जब देखोगे तब खाली होगा, तब देख के तब एडवांस जमा कर देना। ठीक है, फिर आज शाम को आती हूँ। ठीक है, कितने बजे आऊँ? आ जाएगी किसी समय भी। 4 बजे आ जाऊँ? 4 बजे? हाँ आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी। आपका नाम? प्रियंका। हमारे प्लानर ये हैं। हेलो हेलो, या मालविका दैट साइड? ओके, सो वर यू सर्चिंग फॉर अ जॉब चेंज और अ न्यू जॉब? अभी नहीं, फिलहाल आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जॉब राइट नाउ। ओके, हाँ, ड्यू टू माय फैमिली इश्यूज। ओके, बट आई हैव रिसीव्ड योर रिज्यूमे, सो इट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। वेयर? इट्स इन न्यू दिल्ली। दिल्ली वेयर? नियर लाजपत नगर। ओके, नहीं, व्हिच कंपनी? इट इज एमडॉक्स। आर यू अवेयर ऑफ दैट कंपनी? Amdocs. Amdocs? Yeah. Yeah, okay, fine. It is related to what? Like, recruiting or something like? It's related to BBAHR. Okay, fine. Yeah. Okay. So, if you're available, we can connect on a Zoom call. We, right now, I'm at some other place. I'm not at my home. So, नो, दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। ओके फाइन, आई विल टेक्स्ट यू देन।
ओके, योर नेम द साइड नेहा, नेहा द साइड, नेहा नेहा गुसाई. या ओके नेहा, आई विल लेट यू नो. ओके इफ आई फील कंफर्टेबल आई विल लेट यू नो, बिकॉज अभी मेरे मम्मी का भी ऑपरेशन होना है, सो आई हैव लॉट ऑफ यू नो वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. तो अभी तो आई विल लेट यू नो. ओके श्योर श्योर श्योर, यू कैन टेक्स्ट मी. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू, थैंक यू मैम. जॉब लगाने वाली है क्या ये? अब तेरे में नाम तो नहीं था ना, उसके बाद ट्रिक कॉल ले, उसके बाद तुरंत नाम आ जाता है. हाँ कोई बात नहीं. हेलो 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 हेलो. हाँ आंटी नमस्कार. नमस्कार. आप मोना दीदी की मम्मी बोल रहे हो? ना. ठीक मम्मी उठाई तो कहना हर्ष सिंह. हर्ष सिंह मैम. हर्ष सिंह है. हाँ फिर मैम से भी जरा बात कर देना. अमेज़न से भी कौन से? अमेज़न से. उसमें ज़्यादा संभाल लेंगे ये सारा. कौन थी मैम? उससे कुछ पूछ लिया मैंने. पता नहीं अभी कोई लेटेस्ट ऑर्डर है? नहीं आपकी कंप्लेंट थी मैम. कंप्लेंट नहीं, आप इश्यूज जानना चाहते हो कि फीडबैक लेना चाहते हो कि आप इतना कंप्लेंट करी कि डिलीवरी वाले आप क्या से बात करूं ताकि वो अपनी भड़ास निकाले अमेज़न के प्रति. हेलो हेलो हर्ष जी बात कर रहे हैं? हाँ जी. सर ये अमेज़न से आपके रिटर्न रेट काफी ज्यादा दिखा रहा है. ये आपको कोई इशू आ रहा है क्या अमेज़न से ऑर्डर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स में? आपका मैं जैसे प्रोफाइल देख पा रही हूँ तो 70-80% रिटर्न दिखा रहा है. तो ये इतना रिटर्न क्यों है? वो पसंद नहीं आया. पसंद नहीं आया इन द सेंस मतलब कैसे? क्योंकि हर चीज आपकी रिटर्न ही हो रही है बेसिकली. अभी रिसेंट में एक स्पीकर दिखा रहा है वो भी रिटर्न दिखा रहा है. वो तो कब से करा था, वो पहले करा था तो बहुत टाइम हो गया. तो आप बताइए ना क्यों इतना रिटर्न रेट ज्यादा है? कभी आपको पसंद नहीं आया? क्या क्या इश्यूज है? ताकि हम इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने बैकएंड से इम्प्रूव कर सके, आपको बेस्ट क्वालिटी दे सके कि आपका रिटर्न रेट इतना ज्यादा ना हो. पसंद नहीं आया वो, मुझे तभी तो बता रहा हूँ आपको. आप एग्जैक्ट मेरे को इश्यू बताइए ना, क्या क्वालिटी इश्यू है या फिर प्रोडक्ट जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा था वैसे नहीं आया या आपकी टाइमलाइन के पे नहीं आया क्या? वो क्वालिटी मुझे लगा कि मतलब उस क्वालिटी उसमें अच्छी नहीं थी, मतलब प्राइस के साथ बोल जल्दी बोल जोर से बोल. हम आपको बैन कर देंगे वरना ऐसा करा तो. अगर अगर रेगुलर ये रिटर्न रेट रहा तो फिर हम आपकी प्रोफाइल ब्लॉक कर देंगे अमेज़न पे, इसीलिए मैंने आपको एक कॉल किया है. अच्छा और नहीं, आप मुझे समझा रही हैं, डांट रही हैं मेरे. आप मुझे पहले ये क्लियर. मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आइंदा आप रिटर्न मत करना, इससे हमारा नेगेटिव रिव्यू बनता है. तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना. तो देख के रिव्यू देख के मंगाइए ना. अगर 10,000 लोगों ने उसमें पॉजिटिव रिव्यू दिए है, आप अगर उसको रिटर्न कर रहे हो तो वो कोई इशू नहीं है ना. तो 10 बार क्या कहना चाहते हैं मुझे? आपने रेगुलर 10 बार एक चीज को रिटर्न किया है. हमने आपकी हिस्ट्री देखी थी, सबसे ज्यादा रिटर्न रेट था उसपे. तो उसी टाइम पे फोन करना था ना, अभी क्यों फोन कर रहे हो? इंडिया में आपकी लोकेशन. थोड़ी ढंग से बात करिए आप काफी तेज आवाज में बात कर रहे हैं. मैम मेरी वॉइस टोन ही वैसी है. ओके अगर आप इस तरीके से हम लोगों से बात करेंगे तो फिर हम आगे एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर. कैसा एक्शन? एक तो रिटर्न रेट इतना ज्यादा है, ऊपर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं. आप समझा रहे हैं मुझे या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या है? आप इसको जो समझ लो, आप इसको जो समझ लो. पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा ना पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा. आप रिटर्न कम करिएगा, मेरी पॉइंट टू बार पॉइंट यही बात है. और
आप एक प्रोडक्ट मंगाते हो एटलीस्ट 10 बार उसको रिटर्न कर देते हो। अगर समझ नहीं आता तो मार के जाएगा ना। 10 बार तो नहीं कर रहा होगा मैम। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मार्केट में जाइए, पूरी मार्केट घूमिए तब लीजिए। अमेज़न आप लोग के तरीके बनाए, मार्केट में महंगा पड़ रहा है। आप आपको सस्ता भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, फिर आप बोलते हो आपके करेंटली व्हाट यू आर डूइंग ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस। आर यू अ स्टूडेंट? व्हाई शुड आई टेल यू? बिकॉज योर रिटर्न रेट इज टू मच। स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेज़न वी आर ब्लॉकिंग योर अकाउंट। ओके नो 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 प्लीज फोन ब्लॉक। यू नीड टू अपोलोजाइज थ्रू मेल। यू नीड टू सेंड अ अपोलोजाइज मेल। यू नीड टू सेंड अपोलोजाइज मेल। A sorry mail. For what? For misbehaving with Amazon guys and returning the product. Pardon? इतने ज्यादा प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए और कस्टमर एग्जीक्यूटिव से सही से बात न करने के लिए आपको एक क्षमा पत्र लिखना होगा। ये ट्रेंड में आप कैसे बात कर रहे हैं? मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कैसे कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं तो अपने नॉर्मल जैसे बात कर रहा हूँ। टोन थोड़ी आई है तो आपको ऐसा लग रहा है। ओके कोई नहीं, आप इतना परेशान मत होइए। मैं आपकी क्वेरी आगे तक बढ़वा के आपका अकाउंट ब्लॉक होने से देखती हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज ब्लॉक मत कराइए ना थोड़ा सा। अमेज़न पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर को दिल्ली। ताई को कॉल किया था अभी, तो अब जाते हैं ताई के सामने। ताई को पता नहीं है कि हम लोगों ने कॉल किया था, तो ताई का शिलू को भी आने दे। क्या बच्चा दे रहे हो क्या अपनी? कौन आया था वो करने के लिए? ये तेरे तेरे बोलता है खाने को। नहीं तो जैसे मैंने हाँ बोला था कभी क्यों आया था क्या बता रहे हो? कितने बाजार कर रहे सालू जैसे सॉरी क्यों है? आपको बता दिया है ना वो बात नहीं अभी आया ना क्यों क्यों अभी मिल रही थी ले लेती वो मोना थी। मैं कह रही दीदी आवाज तो उसकी जैसी है थी, वो तो चाची कहने वाली थी मुझसे। हाँ मगर देखो यो लड़की दीदी की लगे बात है आज अभी हम ब्लॉग कर रहे हैं। हमसे अब से जितना लड़ गया। ताई ताई का बताओ। प्रियंका हूँ। प्रियंका बोली ठीक है 4 बजे। ये साइदा बनी ट्रिक में साइदा का भाई तुम्हारे वहाँ गाड़ी है ससुराल जाना है करके ताई के लिए अभी फोन करती हूँ थोड़ी देर में। भवाली करने वाला था ताई को पता था सर उसका। और